चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है? वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इस मरतबा हम देखभाल कर नज़रियाती लोगों को टिकट देंगे। इलेक्शन लड़ने का काफ़ी तजुर्बा हो चुका है, पहले नहीं था। मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के अस्खुद नोटिस की समाअत। अदालत ने कहा तहरीक अदम एतमाद के हवाले से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की आईनी हैसियत से मुतमईन किया जाए। असद उमर का कहना है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगी जिससे इंतशार ना फैले। इमरान नियाजी ने खुली बगावत की जिसकी सज़ा आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है। मुतहदा अपोजिशन ने कहा आइन, जमहूरियत, कानून और सियासी अखलाकियात के खिलाफ बगावत की गई है। निगरा वज़ीर आज़म की तकरीरी के लिए सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर को ख़त। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन की बाहमी मुशावरत से निगरा वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म के 4 मुशीरों और 19 मुआविन खुसूसी को भी डी नोटिफाई कर दिया। निगरा वज़ीर आज़म के लिए नाम अपोजिशन लीडर को रवाना। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की? तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑलस्टेट। कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रब्ता कीजिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है? अपोजिशन NRO 2 चाह रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है? अपोजिशन NRO 2 चाह रही है। कौम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जब तक मुल्क का सोचने वाले पार्लियामेंट में नहीं आएंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस मरतबा हम देखभाल कर नज़रियाती लोगों को टिकट देंगे। इलेक्शन लड़ने का काफ़ी तजुर्बा हो चुका है, पहले नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अरकान खरीद कर हुकूमत बनाना जमहूरियत की नफ़ी है। अपोजिशन 3.5 साल से कह रही है कि हुकूमत नाकाम हो गई और हुकूमत सेलेक्टेड है। हमने अपोजिशन के कहने पर इलेक्शन का ऐलान किया। उनका कहना था कि ओपोजिशन पर करप्शन केसेस हैं, ओपोजिशन चाहती है उन्हें NRO 2 मिले। बैरूनी साजिश से हुकूमत गिराने की कोशिश की गई, आवाम को इस पर एहतजाज करना चाहिए। रेड जोन के बाहर इशा की नमाज के बाद ज़मीन फरोशी के खिलाफ एहतजाज होगा।
मैं भी एहतजाज में शिरकत करूंगा। लाहौर में भी जिस होटल में जमीन की खरीदो फरोख्त हो रही है उसके बाहर एहतजाज किया जाए। मैं आज इंशाल्लाह इशा की नमाज के बाद मैं भी या ये रेड जोन से बाहर हमारा पूरा प्रोटेस्ट होगा। आज मैं चाहता हूँ हर जगह आप करें और इसलिए करें कि आपको लोगों को खौफ हो कि एक तो गद्दारी का किसी की बाहर का हिस्सा ना बने और दूसरा खौफ हो कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट आगे से अपनी वोट ना बेच सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर असखुद नोटिस केस की समाअत शुरू कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर असखुद नोटिस केस की समाअत शुरू कर दी। सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी मुकदमे में फरीक बनाया गया है। समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर ऐवान ने कहा कि अदालत में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि किसी रुकन असेंबली को आने से नहीं रोका जाएगा, जो कुछ भी हुआ सब रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत पर बोझ बनना नहीं चाहिए, फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तेदा करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि रमजान है, सब ने रोजा रखा है, तमाम इदारे आईनी हदूद के मुताबिक किरदार अदा करें, तमाम सियासी कुव्वतें और रियासती हुक्काम सूरत हाल का फायदा न उठाएं, मामले पर दायर दरख्वास्तों को रजिस्टर्ड किया जाता है, अमनो अमान की सूरत हाल खराब नहीं होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातें अमनो अमान यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भवन ने अदालत में कहा कि उन्होंने हर चीज को पांव तले रोन दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बातें बाहर करें। अदालत ने पंजाब में अमनो अमान यकीनी बनाने का हुक्म दिया कि एडवोकेट जनरल, डिप्टी स्पीकर पंजाब के मामले पर वजाहत करें, वजीर आला के इंतखाब में सियासी जमातें अमन व आमा को बरकरार रखें। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगी जिससे इंतशार नहीं फैलेगा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने असेंबली बहाल करने और इंतखाबी इस्लाहात के बाद नया इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुतालबा किया कि आइन शिकनी और कौमी असेंबली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर गैर कानूनी और गैर दस्तूरी हुकूमती इकदामात पर समात अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट समात करे। वजीर आज़म इमरान खान ने खुली बगावत की जिसकी सजा आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा है कि इमरान खान की इस बगावत की जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। आज मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन है जिसमें आइन, जमहूरियत, कानून और सियासी इखलाकियात के खिलाफ बगावत की गई है। अपने मुश्तरका बयान में मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा कि स्पीकर समेत तमाम हुकूमती टोले के गैर आइनी और गैर पार्लिमानी इकदामात और रवैयों की शदीद मुज़म्मत करते हैं और उन्हें आइन शिकन करार देते हैं। ऐवान के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन अपनी वाज़ह अक्सरियत साबित कर चुकी है, जबकि ये भी बिला शको शुबा आया हो चुका है कि अपोजिशन के पास ऐवान के अरकान की वाज़ह अक्सरियत है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन आइन, अवाम और जमहूरियत का साथ देने वाले तमाम बाज़मीर और आइन और अवाम दोस्त अरकान का शुक्रिया अदा करती है, उनके जज्बे को खराज तहसीन पेश करती है। बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से सूरत हाल का नोटिस लेने के इकदाम की तहसीन करते हैं। सदर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम की तकरीरी के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। निगरान वजीर आजम की तैनाती इमरान खान और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। निगरान वजीर आजम की तकरीरी के मामले पर सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखकर निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर 3 रोज में निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल ना कर सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर स्पीकर की कायम करदा पार्लिमानी कमेटी को 2-2 नाम भिजवाएंगे। खत के मतन के मुताबिक स्पीकर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी तश्कील देंगे जो निगरान वजीर आजम का फैसला करेगी और निगरान वजीर आजम की तकरीरी तक इमरान खान बतौर वजीर आजम फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। आर्टिकल 224(1) के तहत सदर मुमलिकत वजीर आजम और लीडर ऑफ अपोजिशन की बाहमी मशावरत से निगरान वजीर आजम नामजद करेंगे। शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम के लिए मशावरत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और कहा आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलने तक इमरान खान को चैन से नहीं बैठने देंगे।
काबीना डिवीजन ने इमरान खान का बतौर वजीर आजम ओहदा ख़त्म होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वजीर आजम की तकरीरी तक इमरान खान बतौर वजीर आजम काम कर सकते हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान खान के वजीर आजम ना रहने का काबीना डिवीजन की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन का इत्तला फौरी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर की जानिब से कौमी असेंबली तहलील होने के बाद इमरान खान अब वजीर आजम नहीं रहे। इमरान खान निगरान वजीर आजम के लिए नाम अपोजिशन लीडर को रवाना। वाज़े रहे कि इससे कबल सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से असेंबली तोड़ने के बाद काबीना तहलील कर दी गई थी। कौमी असेंबली के अहम इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद कर दी थी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मुतहदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को आइन के खिलाफ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के खिलाफ किसी गैर मुल्की को हक नहीं कि वो तहरीक अदम एतमाद लाए, किसी गैर मुल्की ताकत को इख्तियार नहीं कि पाकिस्तान के मामले में मदाखलत करे। आइन के आर्टिकल 94 के तहत सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। निगरान वजीर आजम के तकरीरी तक इमरान खान बतौर वजीर आजम काम कर सकते हैं। काबीना डिवीजन ने 52 विफाकी काबीना तहलील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। काबीना डिवीजन ने 25 विफाकी वजरा, 4 वजराए मुमलिकत को डी नोटिफाई कर दिया। अलावा अजी काबीना डिवीजन ने वजीर आजम के 4 मुशीरों और 19 मुआविनीन खसूसी को भी डी नोटिफाई कर दिया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राना टेक टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया, लेके आएंगे तहरीक अदम एतमाद। पीएम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।